तो अभी अभी हमने कैपेसिटर के बारे में जाना, अब हम कैपेसिटर को पीसीबी के अंदर पहचान लेते हैं और उनको चेक कैसे करते हैं ये चीज़ें देख लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे कैपेसिटर हैं, पीसीबी में आपको सबसे ज़्यादा कैपेसिटर दिखेंगे, लेकिन मैं थोड़ी इससे फ्रेश पीसीबी में आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वाली ये सही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जितने भी ब्राउन कलर के आपको दिख रहे हैं इसमें आपको हर साइज़ में मिलेंगे। देखिए ये छोटा सा है, एकदम बीच में है, ये बड़े वाले हैं, ये है, यहाँ पे छोटा सा है, ये बड़ा है, मीडियम है। तो ऐसे ब्राउन कलर के जो भी दिखते हैं आपको वो कैपेसिटर है दोस्तों। ये कैपेसिटर नहीं है, ये हमेशा याद रखना, ये कैपेसिटर नहीं है, अपना आगे आने वाला पार्ट्स है जिसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा बाद में। तो यहाँ पे ये सारे यानी ज़्यादातर आपको ब्राउन कलर में दिखेंगे, या डल ग्रे टाइप आपको कलर भी रजिस्टर में दिख सका है, कैपेसिटर में दिख सकता है, तो वैसे कलर में भी होगा, लेकिन आपको 99% जो मिलेंगे वो ब्राउन कलर में मिलेंगे, यानी इसके लिए आपको पहचानना बहुत ईजी हो जाएगा। तो कैपेसिटर को चेक करने के लिए जनरली ये होता है कि अगर आप सादे वाले मल्टीमीटर में चेक कर सकते हो तो उससे आप श्योर नहीं होगे कि सही है या नहीं, या उसकी वैल्यू आपको पता नहीं चलेगी। एक आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कैपेसिटर सही है या गलत है, उसका थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हो, लेकिन ये मल्टीमीटर के अंदर फेराडे की रेंज आती है। लेकिन हम लोग पहले देखेंगे कि कैपेसिटर को हमेशा पहले शॉर्टिंग में चेक कर लेना चाहिए। तो पहले हम लोग देखते हैं कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि उससे हम कैपेसिटर को पैरेलल में लगा हुआ है तो उसका हम शॉर्टिंग पहले चेक कर लेते हैं। यानी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरे दो मल्टीमीटर के प्रॉप्स हैं, ये वाला रेड वाला है, ये वाला ब्लैक वाला है। तो मैं यहाँ पे ग्राउंड पे रखता हूँ और कैपेसिटर के एक साइड पे देता हूँ, यहाँ पे कोई बजर नहीं बजा, यहाँ पे बज रहा है, यहाँ पे नहीं बजा, यहाँ पे नहीं बजा, यहाँ पे बज रहा है, यहाँ पे नहीं बजा, यहाँ पे बज रहा है, यहाँ बजा, यहाँ नहीं बजेगा, यहाँ बजा, यहाँ नहीं बजना चाहिए। यानी कैपेसिटर का एक सिरा हमेशा ग्राउंड के साथ जुड़ा होता है, यानी कि वो हमेशा पैरेलल में होता है। देखिए आप, एक साइड बजर बजेगी, एक साइड नहीं बजेगी ग्राउंड के साथ, एक साइड कांस्टेंट आपको बजर बजती दिखेगी, ये साइड नहीं बजी है तो यहाँ पे बजनी चाहिए, यहाँ पे बजी तो यहाँ पे नहीं बजेगी, यहाँ पे नहीं बजी, यहाँ पे बजेगी, यहाँ पे बजी तो यहाँ पे बजर नहीं बजेगी, यहाँ पे बजा है, यहाँ पे नहीं बजेगा। तो पहली चीज़ हमें हमेशा कैपेसिटर को देख लेना है कि वो शॉर्टिंग है या नहीं, अगर शॉर्टिंग होगा तो दोनों साइड बजर बजेगा। और कैपेसिटर ज़्यादातर शॉर्ट होते हैं, कैपेसिटर में जो SMD कंपोनेंट जो रहते हैं, यानी कि जो हम लोग के मदरबोर्ड के अंदर, जो मोबाइल के मदरबोर्ड में, लैपटॉप के मदरबोर्ड में जो यूज़ होते हैं, वो कैपेसिटर ज़्यादातर शॉर्ट होते हैं। यानी यही दिक्कत आती है इसकी कि ये शॉर्ट हो गया, और वो ऐसे हालांकि शॉर्ट नहीं होता, SMD कंपोनेंट जो होते हैं वो अच्छी कैपेसिटी के होते हैं, इन पर कितनी भी हीट लग जाए तो ये अपना मतलब वो अंदर से ख़राब नहीं होते हैं। ख़राब होने की वजह सिर्फ एक ही हो सकती है कि अगर फोन वाटर डैमेज है या कोई एकदम हैवी वोल्टेज वगैरह आपने कुछ दे दिया है और उसकी वजह से हुआ है तो बात अलग है, बाकी जनरली कैपेसिटर ऐसे ख़राब नहीं होता है, कैपेसिटर शॉर्ट भी ऐसा नहीं होता है। शॉर्ट होने की वजह से वो अगर वाटर डैमेज या ऐसा कुछ है तो ही कैपेसिटर शॉर्ट होगा, अदरवाइज ज़्यादातर नहीं होता है पार्ट्स ख़राब। ये सारे जो पार्ट्स रहते हैं हैवी कैपेसिटी के रहते हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप कितनी भी हीट दे दो। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे ग्राउंड के साथ बजर बज रहा है, यहाँ नहीं बज रहा है, यहाँ बज रहा है, यहाँ नहीं बज रहा है, यहाँ नहीं बज रहा है, तो यहाँ बजेगा, यहाँ बज रहा है तो यहाँ नहीं बजना चाहिए, यहाँ नहीं बज रहा है तो यहाँ बजेगा। यानी आप कैपेसिटर को कितने भी आप चेक कर लो,
आपको 99.9 कंडीशन में आपको ये पैरेलल में मिलेगा, यानी उसका एक सिरा हमेशा ग्राउंड होता होगा और दूसरा सिरा उसका पॉजिटिव लाइन पे होगा। तो यानी कैपेसिटर को पहला स्टेप ये है हमारा चेक करने का। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कैपेसिटर के दोनों साइड पे कभी ग्राउंड के साथ बीप नहीं आनी चाहिए। अगर ग्राउंड के साथ बीप आती है तो वो डेफिनेटली शॉर्ट है, और ऐसा नहीं है कि वही कंपोनेंट शॉर्ट है। हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है कि पूरी की पूरी लाइन होती है, यानी पैरेलल में होते हैं, जैसे ये कंपोनेंट है, ये देखिए यहाँ पे ये ग्राउंड के साथ इस साइड है, यानी ये दोनों ग्राउंड है, लेकिन ये सिरा इसका पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। देखिए अभी इसकी बजर यहाँ पे भी बजेगी, इसकी बजर यहाँ पे भी बजेगी, यहाँ पे भी बजेगी, यहाँ पे भी बजेगी, यानी ये सारे के सारे कंपोनेंट एक ही लाइन के हैं, एक ही सर्किट के हैं। अभी हम देखेंगे तो ये लाइन कहाँ से आ रही है, ये लाइन यहाँ से आ रही है और ये लाइन आईसी के अंदर से आ रही है, ये वाली लाइन से। तो इस तरह से यहाँ से ये लाइन निकल के ये कंपोनेंट में से होते हुए यहाँ पे आई है। तो इसमें से अगर एक भी कंपोनेंट शॉर्ट हो गया है, यानी एक भी कंपोनेंट जैसे ग्राउंड के साथ शॉर्ट हो गया है, तो ये सारे के सारे कंपोनेंट आपको ग्राउंड के साथ बजर देंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कौन सा कंपोनेंट शॉर्ट है, उसके उसके लिए हम लोग रोजिन वगैरह का यूज़ करके कर सकते हैं, या मिली ओम्स मीटर पे हम लोग चेक करके उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ये हम लोग जैसे जैसे आगे वीडियो आएगा तो मैं आपको उसके बारे में डिटेल में दिखाऊंगा। लेकिन अगर एक कंपोनेंट शॉर्ट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे शॉर्ट है। देखिए यहाँ पे ये वाला ग्राउंड है, ये वाला ग्राउंड है, तो ये वाला पॉजिटिव है, इसकी बजर यहाँ बज रही है, इसकी यहाँ बज रही है, यहाँ बज रही है, ये भी ये नहीं है शायद, ये वाला है, ये वाला है, यहाँ है। तो इस तरह से लाइन आई हुई है। तो इस तरह से पूरी जब लाइन आती है तो उसमें एक कंपोनेंट शॉर्ट हो जाता है तो पूरी लाइन शॉर्टिंग दिखाती है। तो इसी वजह से जब भी ऐसा शॉर्टिंग हो तो उसके लिए हमें कोई भी कंपोनेंट निकाल निकाल के फेंक नहीं देना चाहिए। उसको प्रॉपरली पहले देख लो कि कौन सा कंपोनेंट शॉर्ट है, तो फिर आप उसको निकालो तो सही रहेगा। यहाँ पे ये वाला शायद ग्राउंड है, ये वाला ग्राउंड है और ये वाला ग्राउंड है, ये पॉजिटिव लाइन है, ये भी पॉजिटिव लाइन है। तो इस तरह से एक तो पहले हमें कैपेसिटर के अंदर सबसे पहले हमें शॉर्टिंग चेक कर लेना है। फिर रही उसकी बात वैल्यू की, तो वैल्यू आपको जो रेगुलर मल्टीमीटर जो आता है येलो वाला यूनिटी वाला, वो आपको उसका वैल्यू नहीं देगा क्योंकि उसमें फेराडे की रेंज नहीं आती है। लेकिन ये वाले मल्टीमीटर के अंदर आपको फेराडे की रेंज मिलेगी। तो यहाँ पर हम उसको फेराडे की रेंज में चेक कर सकते हैं। तो यहाँ उसकी वैल्यू दिखाएगा, देखो ये NF दिख रहा है, यानी कि नैनो फेराडे। तो हम कैपेसिटर को चेक करते हैं, जैसे यहाँ से इसमें थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों, कैपेसिटर चार्ज होता है और फिर उसकी वैल्यू शो करता है, यानी उसको थोड़ा टाइम लगता है। अब ये दिखाया, ये 40 माइक्रो फेराडे का है, यानी 39.19 है, यानी 40 पकड़ लो, 40 और ऊपर MF दिख रहा है। देखिए MF का मतलब होता है माइक्रो फेराडे, तो ये 40 MF का है। इसके अलावा ये कैपेसिटर को हम देख लेते हैं, ट्वीज़र ला दो, ट्वीज़र। अगर कैपेसिटर वैल्यू नहीं दिखाता है तो या तो उसमें दिक्कत है या सीपीयू हो गए। तो कैपेसिटर को एक बार डिस्चार्ज कर लेना चाहिए। तो इस तरह से इसके अंदर जो करंट भर गया था वो निकल जाए, उसके बाद शायद वो शो कर सकता है। देख लेते हैं,
नहीं शो कर रहा है, तो कुछ दिक्कत है। हम एक बार क्रॉप पलट के देख लेते हैं। अभी दिखाया 47.35। तो इस तरह से आपको वैल्यू दिखा सकता है, उसको एक बार डिस्चार्ज करके फिर आप चेक कर सकते हो। दूसरी बात कि मैंने जैसे आपको बताया था कि कैपेसिटर जो छोटे मोटे होते हैं वो फिल्टर के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन ये सारे जो है बड़े कंपोनेंट आपको जो पावर आईसी या पावर सेक्शन के आसपास दिखते हैं, तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होते हैं और इसके अंदर अच्छा खासा करंट स्टोर होता है। हम इसमें ऐसे जो करंट फूटेगा उसको देख नहीं सकते हैं, लेकिन अगर हम उसको चेक करें तो उसके अंदर करंट स्टोर होता है। उसकी वजह से कई बार वो पूरी तरह चार्ज डिस्चार्ज नहीं होता और हमें वैल्यू शो नहीं करता है। तो मेरे हिसाब से तो उसको अगर आपको प्रॉपरली चेक करना है तो कोई भी कैपेसिटर को पहले एक बार डिस्चार्ज करें और फिर चेक करें तो डेफिनेटली वो वैल्यू दिखाएगा। और इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर में पॉजिटिव नेगेटिव भी मायने रखता है कई बार, कि पॉजिटिव नेगेटिव आप प्रॉपर दोगे तो ये आपको प्रॉपर वैल्यू देगा, नहीं तो कई बार नहीं दे सकता है। तो उस तरह से हम उसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये ओवरलोड जा रहा है, हम इसको चेक करते हैं। यहाँ पे भी ये ओवरलोड जा रहा है, यानी इसमें इसकी वैल्यू शो नहीं हो रही है। हालांकि फेराडे के लिए ये मीटर भी इतना कंफर्म नहीं है कि इसमें प्रॉपर फेराडे की वैल्यू दिखे। इसके लिए एक LCR करके एक मीटर आता है जो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं लॉकडाउन में हूँ और घर पे मेरे है नहीं, वो मेरी ऑफिस पे पड़ा है वो वाला मल्टीमीटर, जिसके अंदर आपको फेराडे की वैल्यू दिख सकती है LCR मीटर में। उसका मैं एक अलग से वीडियो बना के दे दूँगा आपको, जिसमें इंडक्टर का चेकिंग भी हम उसके अंदर LCR मीटर में कर सकते हैं। तो खास करके कैपेसिटर में हमने जैसे देख लिया, मैंने बोला वैसे कि वो शॉर्टिंग होता है, तो उसको हम बजर बजा के चेक कर सकते हैं कि उसकी दोनों साइड बजर नहीं बजनी चाहिए। बाकी ऐसे छोटे को कैपेसिटर तो मेरे ख्याल से वैल्यू दिखा देंगे। यानी 7 के आसपास का है, ये माइक्रो फेराडे है। तो इस तरह से हम कैपेसिटर की वैल्यू चेक कर सकते हैं। ये वाला एक है, ये वो लोड जा रहा है, ये भी कोई वैल्यू शो नहीं कर रहा है। तो कैपेसिटर में आप फेराडे उतना कंफर्म इस मीटर से नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको मैंने जो बताया LCR मीटर, उससे ही प्रॉपरली उसका वैल्यू शो करेगा। बाकी इसमें आप शॉर्ट है या नहीं उसका अंदाज़ा लगा सकते हो, जिससे आपको पता चल जाएगा। और मैंने जैसे आपको बताया कि कैपेसिटर की मेन दिक्कत यही है, ज़्यादातर वो शॉर्ट होता है, और शॉर्ट होने की वजह मैंने जो आपको बताई कि वाटर डैमेज कंडीशन में ज़्यादातर कैपेसिटर शॉर्ट होते हैं, या ओवरलोड कोई सप्लाई आ गई हो जैसे चार्जिंग वगैरह की लाइन में से, तो वहाँ पे कैपेसिटर शॉर्ट होगा। अदरवाइज कैपेसिटर भी उतना शॉर्ट नहीं होते हैं अपने आप से, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया वैसे अगर कुछ दिक्कत हुई हो तो कैपेसिटर शॉर्ट हो सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग कैपेसिटर को पहचान सकते हैं और कैपेसिटर का चेकिंग कर सकते हैं। अब हम मिलते हैं दूसरे वीडियो के अंदर।